देखिए, अब उनके पल्ले कुछ नहीं रहा और पूरी तरह से इनको पार्टी ने मौका दिया, अवसर दिया सब जगह पर, लेकिन अब वो एग्जास्टेड हैं पूरी तरह से, फिनिश हो चुके हुए हैं। तो वो जा रहे हैं कांग्रेस में, जाएं, कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस को भी नुकसान ही होगा। भाजपा जसपा गठबंधन टूटने के बाद जसपा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए समेत कई नेताओं ने जो है वो जसपा को रिजाइन कर दिया जसपा से। नहीं, वो देखिए, जजपा का मामला एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है उस पर वो ही बताएंगे, हमें नहीं बताना चाहिए उसमें। अरे, इससे ये भी समझ आता है कि अब ये दोनों पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, और जब कमजोर हो जाता है तो तब आदमी सहारा ढूंढता है, तो अब ये सहारा ढूंढ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र में देखिए, आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है, जनता में इनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ, जो भ्रष्टाचार के केस में इनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, लोग उससे बहुत गुस्से में हैं इनके खिलाफ। तो मान साहब पंजाब से लोग लाके यहाँ पे अपना एक फोटो सेशन करके चले जाएं, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वोट तो कुरुक्षेत्र की जनता ने डाल लिए हैं, हरियाणा की जनता ने डाल ली है, पर सारे देश की जनता का एक मन बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी 400 पार। तो चुनाव के समय नजदीक आ रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर पा रही है। नहीं, सेट तो करे ना अगर उनके पास हो। कई बार तो ये पोजीशन हुआ करती थी कि हर सीट पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी टिकट लेने वालों की, और बड़ी चर्चा हुआ करती थी, उसको मिलेगी जहाँ उसको मिलेगी। आज चर्चा ही नहीं है, क्योंकि विंडो खाली पड़ी है, विंडो तो खुली हुई है लेकिन लाइन में कोई नहीं लगा हुआ। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता था कि मेरे प्रदेश का आज मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। तो देखिए, ये ठीक बात नहीं है ना जी, बल्कि मैं सबसे सीनियर था, और मेरे से अगर ये बात छुपाई गई तो उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। सर, विपक्षी पार्टियां खुल के बता तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी का अन्य भगत हूँ, और ये ऐसे ही जो चीजें हैं ना, इससे मतलब ना निकालें कुछ भी। नहीं, देखिए, हमारी हाईकमांड जो कुछ भी करती है सब सोच समझ के करती है।